यहाँ पे लिटरली मैं बता रही हूँ, यहाँ पे चलना मुश्किल है। रियलिटी में क्या वहाँ पे सिचुएशन होती है वो आपको आगे जाके वीडियो में पता लग ही जाएगा। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। आपको इस चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलने वाली है अबाउट जॉब स्टडीज। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो बाकी की चीज़ें भी देखना। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी कि जर्मनी आप कैसे मूव कर सकते हो और क्या क्या यहाँ पे देखने जैसी जगह है यूरोप में, सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो देखो, वैसे ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मुझे आज आपको ना कुछ चीज़ें बतानी है जर्मनी के बारे में, एक सच्चाई दिखानी है। कभी इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, आई एम नॉट श्योर आपको पता होगा नहीं होगा, बट ये कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जो लोग यहाँ पे मूव हुए हैं और अपेरेंटली फिर बाद में मुझे मिले हैं वो पिछले 4-5 हफ्तों में। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, बहुत सारे लोग ऐसे जर्मनी में आ रहे हैं या आने वाले हैं जिनको पता नहीं एग्जैक्टली, और उनसे भी वो गलती हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज आपको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपसे वो गलती ना हो या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स द मेन रीज़न ये आज मैं आपको ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, हर कंट्री में हर जगह पे अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, तो इसको आप उसी कॉन्टेक्स्ट से लेना। पूरा जर्मनी को आप उस चीज़ से जज मत करना। हर कंट्री में, हर बड़ी सिटी जो होती है, न्यूयॉर्क हो या एलए हो, हर जगहों पे भी ऐसी जगहें होती है, बट उसकी वजह से पूरी सिटी ही बुरी है या पूरी कंट्री बुरी है ऐसा तो नहीं होता। तो बस ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये आपको बताने वाली हूँ कि देखो, फ्रैंकफर्ट में हर कोई लेओवर के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स रुकती है जो स्पेशली कनाडा जाने वाली है या यूएस जाने वाली है। तो ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे एक दिन के लिए रुकना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट जो आते हैं वो सोचते हैं कि कौन से एरिया में रहे, स्टेशन के पास अगर होगा तो आसपास इजीली कम्यूट कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिस पर्पज़ के लिए डेप्यूटेशन पे आते हैं जर्मनी में जॉब्स के लिए, वो लोग भी होटल ढूंढते हैं कि कहाँ पर रहना चाहिए, या फिर लोकेलिटी ढूंढते हैं कि कहाँ पर जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में आप रह सकते हो। तो ये बस उन लोगों के लिए है कि आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन जो है उसके पास आपने नहीं रहना है। तो वो क्यों है, रियलिटी में क्या वहाँ पे सिचुएशन होती है वो आपको आगे जाके वीडियो में पता लग ही जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली इसलिए मैं शुरुआत में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी कंट्री को उस चीज़ से जज मत करना, इट्स जस्ट कि आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि बैकग्राउंड में कौन सी जगह है, तो ये फ्रैंकफर्ट की माइन रिवर जो है वो है। और माइन रिवर पे जो समर टाइम में जो माहौल होता है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब अभी ऑलमोस्ट देखो 7 बज रहे हैं और 7 बजे भी सनसेट नहीं हुआ है, अगस्त का मंथ चल रहा है, धूप बाहर निकली है और लोग आराम से बियर वगैरह लेके बाहर देखो पार्क में बैठे हैं। यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह भी है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे मैं इतने टाइम से रह रही हूँ, अकेले एज अ गर्ल भी आप रात को यहाँ पे आराम से घूम सकते हो 2-3 बजे। ट्रेन्स में भी यहाँ पे बहुत ही सेफ है। देखो, हर सिटी में मतलब आपको पता लग ही जाता है कि कौन सी सेफ जगह है, कौन सी अनसेफ जगह है, आप अकेले वहाँ पे घूम सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है ट्रेन स्टेशंस पे एंड ऑल, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा कुछ मतलब ऑकवर्ड फील नहीं होगा। इट्स प्रीटी मच सेफ इन दैट वेज। बट अभी ना इसके बाद मैं जाने वाली हूँ एक इंडियन स्टोर, और उसके बाद मुझे कुछ अपने दोस्तों को भी मिलना है जो कि मुझे सेंट्रल स्टेशन के पास मिलने वाले हैं। तो अभी उस तरफ जाने ही वाले हैं, तो ऑन द वे मैं आपको वहाँ का भी माहौल बताती हूँ ताकि आप अवेयर रहो कि यहाँ पे रात में आपने घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। कुछ लोगों की ट्रेन होती है जो लेट कनेक्टिंग ट्रेन होती है या फिर फ्लाइट होती है, तो आप सोचते हो कि चलो फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है, इतनी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे रह लेंगे सेंट्रल स्टेशन के पास। तो सेंट्रल स्टेशन में क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसका इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं एज अ टूरिस्ट भी अगर सोचती हूँ कि इस जगह पे मैं अगर आऊँगी तो मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि ऐसी जगहें भी एकदम सेंट्रल स्टेशन के पास एग्जिस्ट करती है। और आप अगर गूगल से चेक करते हो कि कौन से होटल में रहना चाहिए, आपको तो बड़े बड़े होटल्स के नाम दिखेंगे, जैसे इबिस है, मर्क्योर, हिल्टन, ऐसे दिखेंगे, बट रियलिटी में आसपास का एरिया कैसे होता है वो तो गूगल पे आपको दिखता नहीं है, वो तो आपको रियलिटी में अगर आप वीडियो देखोगे तब पता लग जाएगा। तो अभी चल ही रहे हैं वहाँ पे। एंड ऑन द वे है आल्टस्टाट, जो कि ओल्ड टाउन फ्रैंकफर्ट का फेमस लैंडमार्क। तो हर कोई टूरिस्ट जो आता है यहाँ पे फोटो खिंचाता है, बिकॉज ये जो पीछे आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये बहुत ही फोटोजेनिक है। तो ये एक स्क्वायर है जहाँ पे हमेशा आपको फोटो सेशन चलता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पे सारा टूरिस्ट आता है, तो आसपास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो कॉन्स्टेबलर वाका, हाउफ वाका, ये जो है शॉपिंग स्ट्रीट है, बट खाने के भी ऑप्शन है। तो फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ से 10 मिनट्स की वॉकिंग है। तो दिस इज लाइक फॉर समवन जो एक दिन के लिए लेहर के लिए आ रहा है और उनको 2-3 घंटे है फ्रैंकफर्ट घूमने के लिए, तो दिस इज वन ऑफ द स्पॉट। और पीछे ही माइन रिवर है जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, तो वो भी एक टूरिस्टिक स्पॉट है घूमने के लिए। तो अभी मैं जाने वाली हूँ इस तरफ, और ऑन द वे जाते जाते हम आगे देखने वाले हैं जो एरिया फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन के आसपास है। अभी तो जाते वक्त मैं कार से जा रही हूँ, तो इसलिए मैं अंदर से आपको शूट करके दिखा सकती हूँ, और उसके बाद मेरे को सेंट्रल स्टेशन जाना है क्योंकि ट्रेन लेनी है वापस घर जाने के लिए। तो आप तो मेरे साथ रहोगे ही, तो आपको आगे दिख ही जाएगा। फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है सरवना भवन, एकदम मेन सेंट्रल स्टेशन के पास है, और उसके बाहर ये कुछ ऐसे हालत है। एंड अगर आप सामने भी देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इरोटिक शॉप, ऐसे कुछ ऐसे होटल्स भी है एग्जैक्टली रेस्टोरेंट के ऑपोजिट। और ये जो मेन रोड है उसके आप दो लेन्स पैरेलल देखोगे तो यहाँ पे और भी होटल्स है, जैसे ये इबिस होटल है, इबिस स्टाइल, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट के भी ऑप्शंस हैं जो बाहर हैं। ये तो फिर भी बेटर एरिया है, बट यहाँ पे आने के लिए आपको वही है कि ये जो सामने मेन रोड है पाशा गोल्ड जो दिख रहा है मेन, जहाँ से ट्रैम भी चलती है या फिर जहाँ से आप हॉपन अप जा सकते हो, इसके दो गली छोड़ के तो फिर भी थोड़ा सा बेटर एरिया है, एकदम आपको नीचे गंदगी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे जैसे एशियन स्टोर मुझे जाना था तो यहीं पे एशियन स्टोर के पीछे वाली गली में ही मुझे पार्किंग मिली है, बट यहाँ पे लिटरली मैं बता रही हूँ यहाँ पे चलना मुश्किल है, इन गाड़ियों के पीछे बहुत सारे लोग ड्रग्स लेके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे चलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इतनी गंदी यूरिन की स्मेल आ रही है पूरे स्ट्रीट पर। तो यहाँ तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, चलते हैं डायरेक्टली इंडियन स्टोर के अंदर। और यहाँ से ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये जो रोड है यहाँ से आप सीधा जा सकते हो मार्केट एरिया में। अभी आपको यहाँ पे आगे जाके इंडियन स्टोर भी है, रेस्टोरेंट्स है, पर जाते जाते आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे जो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मेन स्टेशन के बाहर भी हो सकती है। और ऑन द वे ही है पीछे इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, तो वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ, कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं। और साथ ही मैं थोड़ा आगे जाएंगे तो है एक ऐसी शॉप जहाँ पे कुछ इंडियन आइटम्स भी मिलते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है। और अभी मैं इंडियन स्टोर जा रही हूँ, वहाँ का भी एरिया कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसे ही वहाँ पे खड़े होते हैं, तो जाते टाइम बस अपने ध्यान देना होता है कि निकलना है तो जल्दी वहाँ से वॉक करना पड़ता है। और ये मैं आ गई हूँ इंडियन स्टोर में, यहाँ से क्विकली कुछ सामान लेना है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और इंडियन स्टोर से सामान ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में। तो सरवना भवन जो मैंने आपको गाड़ी के अंदर से रेस्टोरेंट दिखाया था वही की तरफ मैं जा रही हूँ, वो भी ऑन द वे है वन ऑफ स्टेशन के पास। बट वहाँ पर भी जाते वक्त आपको कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी जो आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हो, प्लस यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, तो यहाँ पे आप बहुत ऐसे लोगों को भी यहाँ पे खड़े देखोगे। एंड ये जो सरवना भवन है एग्जैक्टली यहाँ पे ही कॉर्नर पे है, तो अभी तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ वाली हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आए हुए हैं, एंड फिर चलते हैं आगे क्योंकि मैंने ट्रेन से जाना है इसके बाद। तो उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ट्रेन स्टेशन के पास यहाँ पे क्या हालत होती है। Thank you.
और रेस्टोरेंट में खाना हो चुका है, ऑलमोस्ट लेट हो गया है, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है, बट हवपन आपके पास आप देख सकते हो 10:30 बजे क्या माहौल है। इतना भी अनसेफ नहीं है कि कोई यहाँ पे चल नहीं सकता या अकेली लड़की जा नहीं सकती। लोग आपको दिखेंगे ऐसे बैठे हुए, एंड मैं अभी जा रही हूँ स्टेशन के पास क्योंकि वहाँ से लेनी है मुझे ट्रेन घर के लिए, और वहाँ पे दिखाती हूँ क्या माहौल हो रहा है। और ये मैं हवन ऑफ की तरफ चल रही हूँ, राइट साइड पे देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे सारा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे कुछ होमलेस लोग हैं जो यहाँ पे ऐसे बाहर सामान रख के यहीं पे सो जाते हैं। और अभी लेट हो गया है रात में, तो आपको ये ऐसे डस्टबिन, ओपन डस्टबिन जहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है और ये पानी एंड ऑल बहुत अनहाइजीनिक लगता है यहाँ पे। लोग ऐसे कोने कोने में बैठ के दुकानों के नीचे होते हैं, ऐसे नीचे बैठे हुए होते हैं। ये तो मैंने शूट भी नहीं ठीक से कर पा रही हूँ मैं एकदम जल्दी में। और ये सामने एकदम आप देख सकते हो यहीं पे स्टेशन है, और इसी स्टेशन पे ये देखो, और स्टेशन के एग्जैक्टली सामने मैं ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड पे, ये जो पूरी गली यहाँ पे मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अनप्लेजेंट साइट है, आई वुड नॉट प्रेफर शूटिंग दैट। और ये रहा आपका सामने फ्रैंकफर्ट मेन सेंट्रल स्टेशन, तो यहाँ पे आते हो तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी गाड़ियाँ टो होती है, ये देखो सामने टैक्सी थी वो गलत जगह पे पार्किंग करी थी, तो यहाँ पे टैक्सी को टो लेके जा रहे हैं। तो पार्किंग भी ठीक से करना ये भी बहुत ज़रूरी है, सारे रूल्स फॉलो करना तो जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी होते हैं। अभी मैं हूँ एग्जैक्टली फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन के बाहर, तो अभी यहाँ से मैंने अपनी ट्रेन लेनी है। वैसे तो देखो सारी ट्रेन्स यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सारी ट्रेन्स मिल जाती है, इसलिए ये मतलब इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, तो अगर आप लेट भी आते हो या एज अ वुमन आप अगर लेट आते हो तो इतना भी आपको कोई ख़तरा नहीं है, बट इट जस्ट कि आपने ध्यान देना होगा आप कहाँ पर हो, आसपास कैसे लोग हैं। यहाँ पर जो लोग आपको मैंने वीडियोज़ में दिखाए थे वो एज सच मैंने सुना है या मैंने देखा है कि वो किसी को परेशान नहीं करते, वो अपने नशे में होते हैं इसलिए आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, या जो उनकी वो हरकतें होती है उससे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट खुद आपने इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी होती है, तो इसलिए इट्स वेरी सेफ उस पर्सपेक्टिव से। बट मैंने कोशिश करी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक शेयर करने की, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कौन सी एरिया ठीक है कौन सी एरिया नहीं है, होटल आपको कहाँ पर ले सकते हो आप, और अगर सेंट्रल स्टेशन के पास होटल लेते हो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना जो फ्रैंकफर्ट घूमने के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं या यहाँ पे फिर होटल में रहने वाले हैं या हमेशा के लिए मूव होने वाले हैं, तो आई होप उनको भी वो हेल्पफुल रहेगी। और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, अंटिल देन ऑफ यू डिज़ इन।